बात क्या है? बात तो कोई नहीं है। अगर तू इस मंदिर में शिव जी का दर्शन करने के लिए आई है तो दर्शन के लिए मैं भी आया हूं। मैं समझती हूं तू मेरे पीछे किस लिए आए हो। सुनो, और तेरा क्या इरादा है मुझको बताओ। खबरदार ऐसी जुबान चलाओ। राधा, क्या बात है? अरे राधा, क्या कहना चाहता बोल। अरे कमल जैसे लागी लचकती तुम्हारी, लचकी तुम्हारी भरी रज की गागर, छलकती तुम्हारी भरी रज की गागर। गोरे गोरे गाल पर ये दिल दुमाना होगा, राधा सच्ची मानिए दुश्मन जमाना हो गया। अरे निगाहें नहीं राधा ये है कदारी, निगाहें नहीं राधा। ए हरका सिंह, मैं कह दूं दूर से बात कर दूर तो गोरे गोरे गाल पर हो रहा कुर्बान है, खून पी लूंगी तेरी दिल में यही अरमान है। और नहीं भूल कर अब निगाहें उठाओ। ए कमीने, अपनी जुबान को लगाम दे, समझे? राधा तो जान ले लो मगर अब सता नहीं, जान ले लो। अब सता नहीं, आहस कर गले से लिपट जाए वरना तेरा ये पेट सभ्यकार हो जाएगा। सामने जब यहां तेरे शिव है खड़े, अरे हरका सिंह, अरे भोलेनाथ के मंदिर में एक लड़की को छेड़ते हुए तुम्हें जरा भी डर नहीं लगती है? छेड़ा कहा है? तो भस्म हो जाएगा तो। हरका सिंह चलाओ, तो भस्म हो जाएगा मुझके छूते ही तू भस्म हो। भोले बाबा की साद नजर उठ गई, जिंदगानी तेरी खाक हो जाएगी। सामने आएगा फूल से आ गया राधाया फोला, अगर अपने मंदिर सलामत ना जा पाएगा। ए हरका सिंह, अरे इतनी घमंड ठीक नहीं है। घमंड? कोई घमंड नहीं है। सुन, तो शिव से टकराया
खत्म हो जाएगा। भोले बाबा की शायद नजर उठ गई, जिंदगानी तेरी खाकी हो जाएगा। तो उस पत्थर को पोद देव चोपड़िया पत्थर पत्थर में आग ही है क्या? आज पूजो हमें तुमको मिल जाएंगे, आज भोला नहीं शामों ले आएंगे। लाधा क्या है रे बदतमीज, एक पत्थर को पूज कर और इतना बदनाम करती भोले का नाम, ये पत्थर क्या करेगा तुझे? इतनी अहंकार, अरे कमीने, भोले बाबा को तू नहीं जानता है, अरे भस्मासुर भस्म हो गया था, और ऐसा अत्याचार मत कर वरना भोले बाबा तुझे कोही कर देंगे। कोही कर देंगे? इस मंदिर में एक लड़की को छेड़ते तुझे शर्म नहीं आती है रे? अरे ना, मैं कहता हूं कि जिस इशारे पर तुम नाचती है वो इशारा मुझे दे दे। ए हरका सिंह, अरे तुझसे प्यार करना तो दूर, मैं तेरे मुंह पर थूकूंगी नहीं। अगर तू आज थूक दे तो हाथ चाट जाऊंगा, लेकिन मेरा अरमान पूरा कर दे। इतना बेशरम है ये। ए राधा, चाहे तू लाख कोशिश कर ले, लेकिन तेरे प्यार में कभी मैं आ नहीं सकती। अरे तेरे तीरे नजर का, अरे ये सारा हुआ तेरे तीरे नजर का। नजर का ये सारा हुआ, अरे मैं बेगाने से सुन ले दीवाना हुआ, मैं बेगाने से सुन ले। काकुले पेश में फंस कर दिल मेरा सैदा हुआ, देख कर बाकी अदा दिल मेरा घायल हुआ। अरे मिसले मजनू के जैसा दीवाना हुआ, मिसले मजनू के जैसा दीवाना हुआ। आज मजनू की तरह तुम पे मैं पागल हो चुका। हर मुझे हर का सिंह ना, अब नगमा सुनाओ। मुझे हर का सिंगरा नगमा सुनाओ, और यहां से अभी पे सरा भाग जाओ। मुझे इसी तरह से नगमा सुनाओ। अरे तू क्यों मरना चाहता है राधा? आज अगर प्यार आसान से करोगी तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती से तो प्यार करूंगा। ठीक है, मैं चिल्लाऊंगी भोले बाबा हमारी इज्जत जरूर बचाएंगे। नहीं, मैं उनके मंदिर में उन्हीं क्या पूजा करने आई हूँ। आज भोले तुझे नहीं बचाएंगे, तो सीधे साधे कर मुझे कर दे याद पूरा। सीधे साधे कर मुझे कर दे तू इकरार, और तेरे साथ में लूटू मौजू बहार।
बुला जिसे बुलाना चाहती है, कौन कृष्ण है कौन अर्जुन है तो नहीं मानेगा रे, तुम्हारे अंधात में आ जाता। हरामी कुत्ता कमीना नहीं मानेगा, चाहे कुत्ता कमीना कुछ कहो और तुझे नहीं छोड़ूंगा। बुला नहीं, मेरे बुला पाप तो कर रहा शिव के मंदिर पाप तो कर रहा और कोई जगह तूने पाया नहीं, पाप का पाप निकला तो संसार में भोले बाबा का भी खाप खाया नहीं। तुम्हारी बहन मर्द की जात हो जाया से चला माल करके बचन मालू करके बचन ना तो ये मंदिर बनवाया हमारा पिता ना तो ये लड़की लगती हमारी बहन मर्द की जात है जो मेरा सामने सामने खड़ी है तुम्हारी बहन। तो जिसको अब तू बहन कर रहा है आज जिसको बहन कर रहा है आज चबरन से अब लगाऊ गए अगर चुनदाट कर ले तू आया यहाँ भाग जाओ यहाँ मालूम करके बचल चल चला जाए से तो मुझको मालूम है तेरी कचाल आ गई। तो मुझको मालूम है तेरी कचाल आ गई काल तारा तेरा सर पे चकरा रहा मौत लिखी है तेरी मेरे हाथ से इसलिए क्रोध तारा बढ़ा जा रहा। ओ नाम क्या है नाम नाम बताता हूं आज दुनिया में मशहूर है कटसी का नाम। ओ गरीब को रक्षा करना यही हमारा काम। वाह वाह कट्टर सिंह के नाम से मशहूर हो। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम वैसे तो लोग हरकत सिंह कहते हैं। मैं महाराजा चंदन सिंह का अकलौता बेटा हूं। मेरा रास्ता छोड़ दे। हरकत सिंह रास्ता छोड़ दे। मैं और रास्ता छोड़ू? मैं कहता हूं रास्ता छोड़ दे। मैं जब तक इस लड़की को बचाकर नहीं ले जाऊंगा तब तक कभी यहां से नहीं जा सकता हूं। अरे मेरे हक में तूने बुरा कर दिया है। अपने हक में तूने बुरा कर दिया है और बगावत का तूने फैला दिया है। जानता है तो खड़ा तू कहा या नहीं जानता है कट्टर को शायद ना पहचानता है। राधा मैं कहता हूं चला जा यहां से। मैं चला जाऊं चला जाने के लिए आया हूं या मिट जाने के लिए आया हूं? राजा अभी समझा रहा हूं वरना याद रख
मदुराई के तारे सर पे चलाने के लिए रोह तरफ के खड़ी एक बूंद पानी के लिए पलट जाए हंसे। बहादुर कौन है जो मेरे सामने दम मारे? बहादुर कौन है जो मेरे सामने दम मारे? रहम के साले ताले में सहनता जहां मेरे कमरे सहरा है मेरे नाम का सारा जहान में लाखों के छक्के छोड़ते हैं कट्टर के नाम से। वाकिम ने वो मिस्टर तू मेरे जुनून से वाकिम ने वो मिस्टर तू मेरे जुनून से तुमको तो नहला लूंगा तुम्हारे ही खून से। मोचा कहना हमारा कहता हूँ आसान से वरना गुस्सा लग जाएगा तो मार दूंगा जान से। सुन रही वो काल है जो रल में डट के हट जाए मर्द नहीं ना मरदा है जो कहकर बात पलट जाए। बहादुर है कदम को पीछे हट नहीं सकता दुश्मन के सामने सर झुक नहीं सकता। मैं कहता पलट छा ये मेरा पकड़ा हुआ शिकार है। शिकार है तो मेरे सामने हाथ लगा कर देख तेरी हाथ काट कर नहीं फेंक दिया तो मेरा नाम कट्टर सिंह। तो आज देख मेरा कमाल देख आज देख तेरे सामने इसका हाथ कैसे पकड़ता हूं। राधा ओए राधा साले हरकतवा तुम्हारा नाम कैसे हरकत रख दिया रे साले। हरकत माफू कर दो मेरे ऊपर के भैया खता माफू कर दो। खता माफू कर दो मेरे ऊपर के भैया और चरण पे पड़ा हूँ मेरे ऊपर के भैया। खता माफ कर ले का काबिल नहीं है खता माफ करना का काबिल नहीं है हमारे मुकाबिल के काबिल। साला कट्टर चाहता है कि नहीं रे पूछे माफ कर दे अब कभी नहीं हरकत दिखाऊंगा। ऐ हरकतवा मेरा यही कहना है कि दोनों हाथ जोड़कर और राधा से पैर पकड़कर माफी मांग तुम्हें हम माफ कर दिए ये माफ कर देता हूं तुम्हें माफ कर देते हैं। राधा की हाथ जोड़कर माफी मांगे फिर राधा राधा तुझे मुझे माफ क्या करेगी जब रे कह रही है तो मुझे माफ क्या करेगी। राधा एक नजर मार दे ठीक है राधा मुझे माफ कर दे मैं अब कभी नहीं हरकत दिखाऊंगा। लेकिन बहन कहकर ठीक है राधा बहन कुछ माफ कर दे मैं जा रहा हूं कभी नहीं आऊंगा। तो माफ करने की तो काबिल है ही नहीं माफ करने की काबिल तो है ही नहीं कर दिया अब कभी अपनी सूरत और दिखाना नहीं जा चला माफ सारी खता कर दिया। ठीक है अगर मुझे माफ कर दिया है तो मैं अब तुझे कभी नहीं सताऊंगा। हाँ कबीले तुझे माफ नहीं करती लेकिन तू मुझे बहन का है इसलिए मैं तेरी गलती माफ करती हूँ जा चला जाए से। ठीक है बाल बजा रहा हूं
राधा। हाँ बाबूजी। यह बताओ तुम यहाँ आई थी क्या करने आई थी जो तुम्हें छेड़ रहा था हराधौर? बाबूजी मैं भोलेनाथ के मंदिर में उनका पूजा करने आई थी। सुनिए बाबूजी। कहो बाबू, जब बढ़नी टार कै और गोरिया फार कर निकली है तब मने क्या ना आई? जब बताओ बताओ देखो। ए भाई ना इधर है कमी रे, मैं आसकी खाती हूँ रे। ना खाती है, दातवा तो तार उज्जर उज्जर है। अच्छा क्या कहता है गंधवड़ा? ये बता आसकी तू खाता है आ मुझे बताता है? आसकी ना खाए थे, खाली डलिया डलिया खाए थे हम। ए क्या मांगता है रे? इतना इतना अमलसी बोलता है रे? इतना मलची बनता है साले की लड़कियों से मांगता है क्या? अरे अरे साले ये हाथ कहाँ ये लगाता? अरे साले तू नहीं सुधरा भी, साले सुधार दूंगा साले साले। मार दिया सर, कहूँ ऑपरेशन करा पड़ा तब तो ही जाने हो साले। बाबूजी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तो कब से कब बाबूजी ये बता दीजिए, आप रहते कहाँ और कहाँ है मकान? आपने है बचाई मेरी लाज को, भेजा भगवान ने तो है आए यहाँ। रहने वाला हूँ, चाचा ने पाल कर कर दिया है मुझे, इसलिए ऐसा ही करना पड़ा। तो कट्टर के नाम से कांपता है जा, सारे संसार में आप बदनाम हैं। अरे आपने घर बचाई मेरी लाज हो, नहीं बल्कि भगवान है। अरे बाबूजी आप डाकू नहीं हो सकते, आप तो मेरे लिए भगवान बनकर आई। और मेरा धर्म था जो निभाया है देवी। उसको हमने निभाया। अरे बाबूजी आप मेरा नाम नहीं पूछेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधा है। बहुत अच्छी नाम है राधा। और आपका? कट्टर सिंह। जी हाँ। आप डाकू नहीं हो सकते, बल्कि डाकू के भेष में भगवान छुपे हैं आप। हमारा नाम तो कट्टर सिंह डाकू है, लेकिन हम धर्म का काम करते हैं, अमीरों को सताते हैं और गरीबों का रक्षा करते हैं, यही हमारा धर्म है। अपने धर्म का पालन हम करते हैं। बाबूजी आज से एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? और तुम ही बाबू जी हो प्रभु अब हमारे, तुम ही बाबू। पड़ी मेरी कश्ती तुम्हारे सहारे करीब। अब हाँ ना आंखों से
धारा बहाना बनो आज से आपका मैं सहारा बनो आज तो लाज रखकर मेरी इज्जत के बच्चैया बन गए मैं बलि राधा तेरी तुम कन्हैया बन गए और खरी राधा कादा की रहिया निहारे प्यार करना चाहती हूँ प्यार करोगे ना तुम्हारे बात के लिए हम इनकार नहीं है राधा सब हमें मंजूर है प्यार करोगे जी हाँ ठीक है मैं आपसे कसम खाकर कहती हूँ भगवान भोलेनाथ के मंदिर में कसम खाती हूँ जब तक जीऊंगी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी प्यार करूंगी तो तुमसे और शादी करूंगी तो तुमसे और किसी से नहीं सुनिए अरे 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था जिया बेकरार था आज भी है सौ साल पहले हमें तुमसे प्यार था हमें तुमसे प्यार था जिया अरे कल भी रहेगा 100 साल पहले जाती है तुम हंसते रहते हो तो एक बिजली सी चमक जाती है तुम हंसते रहते हो तो एक बिजली सी चमक जाती है मुझे जीते जी वो दिल भर तेरा इंतजार था जिया बेकरार था आज भी है दिलवर तुझे मेरा तलबकार था जिया बेकरार था आज भी है हरी कल भी बाबूजी मैं घर जाना चाहती हूँ हाँ जाओ जाओ क्योंकि हम चल रहे हैं हमारे चाचा जी वहाँ हमारा इंतजार करते होंगे कि अभी तक क्या बात है जो हमारे बेटे कट्टर सिंह नहीं आए लेकिन वादा करो कब आओगे मिलने भोले बाबा का दर्शन हर मंगल के दिन हम आएंगे यहीं पे मुलाकात होगा लेकिन सोमवार है आज सोमवार के दिन पूजा करते हैं और हर सोमवार को तुम आओगे ना ठीक है सोमवार को भी आएंगे ठीक है मैं आपका इंतजार करती हूँ आप भूल मत जाना ठीक है कभी नहीं हम भूलेंगे हर मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी न करना हर मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी न
टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। तेरा दिल चाहे जब भी तू पास मेरे आ जाना, कभी घबराना, लेकिन सपनों में मिलने की कभी ना कोशिश करना, लेकिन सपनों में मिलने कभी ना कोशिश करना। सपना तो टूट जाता है, सपना तो टूट।